ऐसी घोर निषेध अवैदिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। आपके दर्शन का एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग, एक चुक है ये भाग। प्रकृति थर्रा उठी है इस निषिद्ध पूजा के प्रभाव से। राक्षस में परंतु भयंकर राक्षसी प्रतीत होती है ये प्रचंड अग्नि, मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मायावी महाशक्ति जागृत हो, अपना रोष हुंकार प्रारंभ कर रही है। यदि मैं यहां रुका तो इस प्रचंड शक्ति के प्रकोप को नहीं सह पाऊंगा। मेरा यहां से जाना ही उचित होगा। दृष्टि नहीं सहन कर सके कि उस दुष्ट रावण की सफलता का परिणाम जिसके लिए वो इच्छित होकर पूजा कर रहा है। हाँ देवराज, संसार को घोर अनिष्ट से बचाने के लिए, रावण को रोकने के लिए, प्रभु श्री राम के धर्म और मर्यादा की सेवा के लिए
हमें शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये कैसा भूकंपन है? कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? कहीं पुनः कुंभकर्ण की भांति किसी महादानव को भेज रहा है रावण, जिसके पग धरते ही धरती कंपित हो उठी है। कैसा धूम्र है ये जो लंका से उत्पन्न हो रहा है? ये ध्वनि और कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से उनका विस्तार हो रहा है। हमारी ओर किसी के बढ़ने का परिणाम नहीं है ये। क्या वो पुनः किसी मायावी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? दुर्जय शक्ति की साधना कर रहा है वो। अत्यंत भयंकर निषिद्ध पूजा कर माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है रावण। प्रणाम देवगण। प्रणाम देवी। विजय भव। प्रभु, यदि उस अधर्मी रावण ने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर ली और माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया, तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रावण एक अत्यधिक बलशाली योद्धा है। माता तारा की अवैधिक पूजा पूर्ण कर वो अपराजेय बन जाएगा। माता तारा देवी की शक्ति के संयोग से उनकी छत्र छाया पाकर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अपराजेय हो जाएगा वो, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। फिर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम रावण पर? प्रभु, अपने प्राणों की आहुति देकर भी वो निषिद्ध पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव चेष्टा करेंगे। इसीलिए इस घोर संकट की घड़ी में हम सभी देवताओं इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का निर्णय लिया। प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं अपने जल के प्रभाव से संपूर्ण लंका को बहा सकता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं रावण की ओर बहने वाले वायु प्रवाह को ही रोक दूंगा प्रभु, जिससे वो सांस ही ना ले सके। आप आदेश दें तो मैं अपनी अग्नि से संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। मैं अपने वज्र प्रहार से रावण को कोई भी अस्त्र उठाने के योग्य ही नहीं रहने दूंगा। प्रभु, मैं और अन्य सभी देवता हमारी सम्मिलित शक्तियों से इस धर्म युद्ध में आपका समर्थन देने के लिए तत्पर है। हमारा समर्थन स्वीकार कीजिए प्रभु। परंतु युद्ध मर्यादा के अनुरूप आप मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर ही विजय प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कि युद्ध में हमारे सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए प्रभु। अब रावण मात्र राक्षस रावण के रूप में युद्ध करने नहीं आएगा, बल्कि वो ऐसी शक्ति के साथ प्रस्तुत होगा जो केवल आपके लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सेना के लिए भी महासंकट का रूप ले सकता है। क्षमता, युद्ध कौशल और पराक्रम यदि कल्याणकारी कार्यों के लिए ना किया जाए तो उनका कोई लाभ नहीं। महायोद्धा महाज्ञानी है रावण, परंतु अहंकार वश अपना विवेक खोकर मूर्ख ज्ञानी के समान व्यवहार कर रहा है। नारी का अपमान अत्यंत निकृष्ट कृत्य है जो उसने किया है, और अपनी ही रक्षा के लिए नारी शक्ति का ही आवाहन कर रहा है, और वो भी आवेदिक वाम मंत्रों से। हाँ नाथ, वाम पूजा भी
पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें ईश्वर को विवश कर उनकी अनिच्छा होने पर भी उनकी सहायता ली जाती है। देवेश्वरी, परंतु ऐसी पूजा करने वाला ये भूल जाता है कि जो ईश्वर की अनिच्छा से होता है उसका फल कभी सुखद नहीं होता। नान, यदि रावण का आवाहन अपने चरम पर पहुंच गया तो दर्शन दीजिए माता, अब मैं निपट अकेला हूं, इसलिए आपको मेरी सहायता के लिए आना ही होगा। रावण इस पूजा में असफलता स्वीकार नहीं करेगा माता, भले ही उसके लिए मुझे अपनी समस्त भुजाएं और दसों शीशी क्यों अर्पित करने पड़े। नारायण नारायण, प्रतीत होता है आज रावण को रोकना असंभव है। हाँ प्रभु, अवैदिक पूजा के दो ही परिणाम होते हैं, या तो साधक अपने प्राण त्याग देता है या वो अजेय हो जाता है। यदि रावण ऐसा करने में सफल हुआ तो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे क्षमा करें देवगण, मैं मर्यादा और धर्म के पथ से नहीं हट सकता। जब रावण अपनी सेना और संबंधियों को खो चुका है तो मैं आप सबको इस युद्ध में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं? निश्चित पूजा कर रहा है वो, मुझे ज्ञात है। रावण की यह पूजा हमारे लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। यदि मैं भी मर्यादा त्याग दूं तो ये धर्म युद्ध ही निरर्थक हो जाएगा। प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप युद्ध भी मर्यादा की परिधि में रहकर ही करेंगे, इसलिए हम सब आपको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं हम, आपके निर्णय का आदर करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर आपके स्मरण मात्र से हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं देवगण, परंतु मैं अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आप सबकी सहायता, आपका आशीष चाहिए कि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हों। विजय जय भव।
प्रतीत होता है। क्या आप अब भी प्रसन्न नहीं है मुझसे? परंतु कोई नहीं, अब भी आपको चढ़ाने के लिए 10 शीश है मेरे पास। रावण का आवाहन स्वीकार करना अब और कठिन हो रहा है मेरे लिए। माता तारा! लीजिए माता, रावण अपने शीश आपको भेंट कर रहा है। क्या आप भी आप कठोर बनी रहेंगी माता? अब स्वयं को रोक पाना कठिन हो रहा है। निष्ठुर पाषाण हृदय है क्या आपका माता? प्रेम दया वात्सल्य का लेप मात्र नहीं है माता? दर्शन नहीं देंगी क्या मुझे? तो सुनिए माता, रावण भी नहीं रुकेगा आज। दीर्घ संकल्प है मेरा, यदि आपके दर्शन करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ मेरा, तो अपना अंतिम चीज और अपने प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा माता, समर्पित कर दूंगा मैं। क्या वास्तव में रावण इस पूजा के पश्चात इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी कल्पना ने देवताओं को चिंता में डाल दिया है? देवताओं की चिंता से भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितना भी बलशाली हो जाए वो रावण प्रभु, आपकी वानर सेना उसके लिए पर्याप्त है। प्रभु, हम उसे पूर्व के समान पुनः धूल चटा देंगे। नहीं महाराज सुग्रीव, रावण के सफल होने की संभावना बढ़ गई है। उस केस कृत्य से माता तारा देवी विवश होने के लिए बाध्य हो सकती है। ये रावण की अंतिम परीक्षा होगी। यदि वो आपके भयंकर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया तो वो उसी क्षण मिट जाएगा। निषिद्ध पूजा कर क्यों आवाहन किया मेरा? हाँ।
रावण आप सबको क्षति पहुंचाने में सफल हो यह मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए ये मेरा उत्तरदायित्व है और मैंने निर्णय लिया है इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। मैंने निर्णय लिया है इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। रावण भयंकर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक बलशाली होने जा रहा है और ऐसे समय में आप हमारे साथ को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं प्रभु, कैसे कर सकते हैं अस्वीकार? आप ही के साथ ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में सक्षम बनाया है, उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? जब रावण अपनी सेना के साथ आया तो आपने उसकी विशाल सेना को धूल धूसरित कर मेरा भरपूर साथ दिया। हाँ प्रभु, पूर्व की तरह भविष्य में भी हम आपका साथ देंगे। देवगणों का कथन आपने भी सुना है प्रभु, उनके अनुसार रावण कई गुना बलशाली और भयंकर बनकर आ सकता है प्रभु। जानता हूं मैं, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए धर्म युद्ध है ये, इसलिए मैं धर्मोचित युद्ध ही करूंगा। अकेले पड़े रावण के साथ मैं अकेला ही लड़ूंगा। उस अधर्मी ने मेरी पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, इसलिए उसको इस अपराध का दंड देने का कर्तव्य मेरा ही है। आगामी युद्ध में मैं अपने हाथों से दंडित करूंगा उसे। सुना था वो सत्य ही था, इतना भयंकर रूप है माता मुंडमालिनी का। होता है माता के इस भयंकर रूप को देखना दुष्कर हो रहा है रावण के लिए। यदि रावण भयभीत हो जाता तो आज उसका अंत निश्चित था, परंतु
रावण तो इस कसौटी पर भी खरा उतरा भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्व। स्वर से अभिवादन किया है उसने। उसकी भक्ति में भले ही एक बड़ा स्वार्थ निहित है, परंतु देवी तारा के हृदय में भी एक मां छिपी है। बाहर से भीषण, परंतु भीतर से सौम्य है मेरा ये रूप। वो माता जो संतान की गुहार लगाने से ही पिघल जाती है, अच्छे हो या बुरे हो, संसार के समस्त जीव है तो माता की ही संतान। बवंडर शांत हो गया। कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल तो नहीं हो गए? यदि रावण वास्तव में सफल हो गया तो ऐसी पूजा से प्राप्त हुई सफलता उसे अत्यंत बलशाली बना देगी। ऐसी अवस्था में प्रभु का उसके साथ एकाकी संघर्ष करना उचित नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कर सकते आप। आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते। प्रभु, आज तक मैंने आपका कोई आदेश, कोई वचन नहीं टाला, परंतु आपके इस आदेश को मैं कैसे स्वीकार करूं? प्रभु प्रभु, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। जब वो राक्षस इस पूजा से प्राप्त असाधारण शक्तियों के साथ आपसे युद्ध करने आएगा, तब उस युद्ध में मुझे भी भाग लेने दीजिए प्रभु, अन्यथा ये इस भक्त के साथ घोर अन्याय होगा। प्रभु प्रभु, भक्त और भगवान के बीच कुछ भी व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? प्रभु मुझे स्वीकार लीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु। हनुमान, मर्यादा का पालन करने के लिए यह अनिवार्य है हनुमान कि मैं रावण के साथ अकेले ही युद्ध करूं, क्योंकि अब वो भी युद्ध अकेला ही करेगा। और यह भी स्मरण करो, जब तुमने सीता को अपनी पीठ में बिठाकर लंका से चलने के लिए कहा था तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण का वध मेरे ही हाथों? इसलिए आगामी युद्ध में रावण कितनी ही शक्ति के साथ क्यों ना आए, रावण से अकेले लड़ने का मेरा निर्णय अटल है, अटल है, अटल है, अटल है। माता, मेरी सहायता कीजिए, मैं विनती करता हूं आपसे, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सहायता कीजिए माता। कहो पुत्र, क्या सहायता चाहते हो मुझसे? सुरक्षा, उस वनवासी से, उसके अस्त्रों से और उसके सभी योद्धाओं से,
होने वाले युद्ध में सुरक्षा मां, पूर्ण सुरक्षा आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी मां। और ऐसा करने के लिए तुम अवैधिक पूजा से विवश कर रहे हो मुझे? माता, एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैदिक में कैसा भेद माता? निषिद्ध पूजा से और अधिक निषिद्ध नहीं है क्या हम माता? फिर हम क्यों ना प्रयोग करें उनका माता? हे माता, आपका यहां आना और आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा जीवित रहना इस बात का प्रतीक है कि मैं आपकी पूजा में सफल हुआ और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी माता। अब मुझे ज्ञात है कि आप पूर्णतः विवश है मेरी रक्षा करने के लिए माता। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है रावण, मैं विवश हो गई हूँ, किंतु स्मरण रहे मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा, छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। आपके सभी निर्देश स्वीकार है मुझे माता, बस मुझे आपकी सुरक्षा की कृपा चाहिए माता। तथास्तु। अब लंकेश रावण की विजय निश्चित है। तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध केवल मैं लड़ूंगा, केवल मैं लड़ूंगा। आप सभी को मेरी सौगंध है कि कोई भी रावण के साथ मेरे युद्ध में कोई भागीदार नहीं बनेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर युद्ध छोड़ दूंगा। आगामी युद्ध मात्र मेरे और रावण के मध्य होगा। आगामी युद्ध में एकाकी नहीं रहेगा रावण, देवी शक्ति होगी उसके साथ। आज न जाने क्या होने वाला है, आज की विदाई कहीं स्वामी की अंतिम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, यह आपका अक्षय तुणीर। प्रभु, आपकी कटार। प्रभु,
भय त्याग दीजिए महारानी मंदोदरी, आप लंकेश रावण की पत्नी हैं, गर्व के साथ मस्तक उठाकर मेरा तिलक कीजिए। माता तारा देवी ने स्वयं मेरी रक्षा का वचन दिया है, अब मैं विजय होकर ही लौटूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जाइए और राज्य में विजय उत्सव की व्यवस्था कीजिए। आपका मायावी रथ सज्जित है लंकेश। और केत मंडरा रहे हैं, उल्लू और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। प्रभु, ये संकेत है कि रावण रणभूमि की ओर निकल पड़ा है। ऐसी भयानक ध्वनियां, ये अशुभ संकेत है। प्रभु, रावण आज बहुत ही भीषण युद्ध करने वाला है। आज हम सब भी युद्ध में उनके सहायक होते तो अच्छा होता। विभीषण जी, महाराज सुग्रीव एवं मेरे वानर वीरों, भले ही आप सब आज मेरे साथ युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, किंतु आपका दृढ़ विश्वास, आपका मेरे प्रति समर्पण ही मेरी प्रमुख शक्ति है, जो मेरा विजय पथ प्रशस्त करेगा। अतः आप सब भी प्रशस्त रूप से इस युद्ध में मेरे सहयोगी हैं। इसलिए आप सब अपना धैर्य और साहस बनाए रखिए। आपका उत्साह ही रावण को मृत्यु के मुख तक पहुंचाने में मेरा सहायक होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय जय श्री राम।
साक्षात देवी तारा आ रही है रावण को रक्षित करते हुए। क्या रावण के साथ स्वयं देवी तारा प्रभु के विरुद्ध युद्ध करेंगी? तो रावण ने देवी तारा को निषिद्ध पूजा करके विवश कर ही दिया अपनी रक्षा करने के लिए। प्रभु, देवी तारा से सुरक्षा पाने के कारण रावण बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। हनुमान, कोई भी देवी देवता वो धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाते हैं। देवी तारा भी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं हो सकती। और फिर रावण की रक्षा कोई भी करे, किंतु धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जिससे मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, बस तुम इतना ध्यान रखना कि जब तक मैं रावण को परास्त नहीं कर लेता, कोई भी आगे ना आए। जो आज्ञा प्रभु। अब ये वनवासी आए जब वो तो छवानर, इन दोनों को ही मैं अपने प्रतिशोध की अग्नि में भस्म कर दूंगा। आज ये अधर्मी अपने ही पापों की अग्नि में भस्म होगा। ये क्या, प्रभु श्री राम इस दुष्ट रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? क्या हुआ वनवासी? मेरे भय के कारण तुम्हारी वानर सेना पीछे ही रह गई। एकाकी पड़ गए हो तुम, इसीलिए भयभीत होकर तुम भी हाथ जोड़ रहे हो। भ्रमित मत हो रावण, ये जो मैंने प्रणाम किया है तुम्हें नहीं, उन देवी तारा को जिन्हें तुम निषिद्ध पूजा के द्वारा विवश करके अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आए। और इस भ्रम में भी मत रहना लंकेश कि देवी अधर्म में भी तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारी रक्षा करेंगी। देवी तारा को प्रसन्न किया है मैंने, उस विकट निषिद्ध पूजा से इसे आज तक अन्य कोई नहीं कर पाया, और इसलिए तुम्हारी ये सेना भयभीत होकर खड़ी है। देवी तारा की सुरक्षा पाकर तुम्हारी बुद्धि पूर्णतया भ्रमित हो चुकी है लंकेश। मेरी सेना तुमसे भयभीत होकर नहीं, मेरे आदेश के कारण पीछे रुकी है, क्योंकि तुम्हारे अधर्म और आतंक को मिटाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का दंड देने के लिए मैं काकी ही पर्याप्त हूं। मुझे दंड दोगे तो तुम्हारी अर्धांगिनी को छीन लाया ये रावण, और तुम कुछ नहीं कर सके। प्रतीत होता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ अपना विवेक भी खो चुके हो तुम। भैया राम ने अपनी आज्ञा से मेरे हाथ बांध दिए हैं, अन्यथा विवेक तो तुम पूर्णतया खो चुके हो रावण। जब तुम्हारे पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का वध हुआ, त
तब भी तुम्हारा विवेक नहीं जागा। तुम्हारी सोने की लंका भस्म हो गई, फिर भी तुम विवेकहीन बने रहे रावण। जब तुमने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को असमय ही निद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में होम करवा दिया, तब भी तुम्हारा विवेक सोया रहा रावण। मेघनाथ, महिरावण सहित एक एक करके तुम्हारे हर योद्धा तुम्हारे अहंकार की बलि चढ़ते चले गए, फिर भी तुम विवेक शून्य ही रहे। महाज्ञानी रावण, वो तो प्रभु श्री राम ने हमें युद्ध ना करने के वचन से बांध दिया है, अन्यथा प्रभु के लिए अनुचित बोल कहने वाली तुम्हारी ये जिह्वा अब तक कटकर धरती पर पड़ी होती। लंकेश, कौन काटेगा मेरी जीवा? ये एकाकी वनवासी। यदि सत्य नहीं, इसने तुम सबको युद्ध में ना उतरने की आज्ञा दी है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। बस चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सत्य नहीं छुपता। वनवासी, मैं समझता था तुम पराक्रमी योद्धा तो हो, बड़े चतुर भी हो। खरदूषण, ताड़ का सहस्त्र, सहस्त्रों राक्षसों का वध किया तुमने, इन उपद्रवी और चंचल वानरों को अपने वश में किया, और इनकी सहायता से इस बड़े विशाल समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक आने का असंभव कार्य भी किया। परंतु अकस्मात ही तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, तो सबको मना करके एकाकी ही युद्ध में चले आए। ये मर्यादा युद्ध की है, जिसे तुम जैसे अधर्मी राक्षस नहीं समझ सकते रावण। अब मात्र तुम ही शेष हो, एकाकी हो। इसलिए प्रभु श्री राम भी एकाकी ही तुम्हारा सामना करेंगे रावण। वानर, रावण से एकाकी ही युद्ध करने का दुस्साहस कर रहा है तुम्हारा ये प्रभु। मैंने तो यहां तक सुना है कि ये युद्ध में एक तक भी पीछे चला गया। तो ये अपनी हार स्वीकार कर लेगा। तुमने सत्य सुना है रावण, मैं पुनः घोषणा करता कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया, तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। एकाकी रण मह रघुराई, जोड़ी गे पराजय हुई भाई। प्रण ऐसो रघुनाथ उठाए, अनुशंसा मह कपि भी आए। बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली है प्रभु श्री राम ने। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम के शौर्य पे तो विश्वास है हमें,
किंतु रावण तारा देवी की सुरक्षा में है। हाँ वायुदेव, और माता तारा देवी के सुरक्षा कवच को भेदना असंभव है। न जाने क्या होने वाला है आज। बावला हो गया है ये वनवासी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। एक तो मैं स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी हूं, और दूसरा मैं माता तारा देवी के संरक्षण में हूं। रावण से एकाकी लड़ने का तो साहस कर रहे हो तुम, इसने देवताओं को पराजित किया, दिक्पालों को बंदी बनाया जिसने, ग्रह नक्षत्रों को अपने इच्छानुसार नचाया, कुबेर से चीनी हुई स्वर्ण नगरी लंका जिसके पास है, देवताओं से छीने हुए अस्त्र शस्त्र जिसके पास है, महादेव शिव और ब्रह्मा जी दोनों के वरदानों से सज्जित उस महान रावण से एकाकी लड़ने का साहस कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा बाल, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम रावण से युद्ध करने का साहस कर रहे हो? बोलो क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास धर्म है, सत्य है मेरे पास, जिसका बल तुम्हारे वरदानों और तुम्हारी धन संपदा से अधिक है, और जिन सीता का तुम छल से हरण करके लाए और यहां लंका में बंदी बनाकर रखा, वो भी मेरे ही पास है, मेरे हृदय में। किंतु तुम्हारे पास कौन है? ना पुत्र, ना बंधु बांधव, ना मित्र, और ना ही कोई संबंधी। यहां तक कि तुम्हारे शेष परिजन भी तुम्हारे साथ नहीं है रावण। अधर्म कितना भी बलशाली हो, कितनी भी शक्तियां, कितनी भी सेना एकत्रित कर ले, किंतु जब उसके पाप कर्म उसे पतन की ओर लेकर जाते हैं, तो उसके अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। और अंत में वो एकांकी ही रह जाता है। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। मैं यहां वाक्य युद्ध नहीं, युद्ध करने आया हूं, और अब मेरे अस्त्र शस्त्र बोलेंगे, मेरी जीवा नहीं। शक्ति है तुम्हारे धनुष की टंकार में, परंतु मेरे दिव्यास्त्रों के समक्ष तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल हो जाएंगी। वनवासे
अस्त्रों, तुम्हारे उपयोग का समय आ गया है। रावण के समक्ष प्रस्तुत हो। वनवासी, यह है वो महान दिव्यास्त्र जिन्हें मैंने देवताओं से छल, बल, युक्ति और भक्ति के आधार पर प्राप्त किया है। इनके समक्ष तुम एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। अस्त्रों का क्या प्रदर्शन कर रहे हो रावण? प्रभु को छल, बल या किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले प्रभु को तो स्वयं महर्षि विश्वामित्र, ऋषिवर अगस्त जैसे महान ऋषियों ने इनके शौर्य से प्रसन्न होकर अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्रों, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रणाम देवों। प्रभु ने तो अपने अस्त्रों का आवाहन भी आदर के साथ किया है, जबकि रावण अस्त्रों को भी अपना दास ही समझता है। यही भेद है धार्मिक और अधर्मी में। विडम बनानी है आज के इस धर्म युद्ध में हम देवताओं के ही दिव्यास्त्र एक दूसरे से टकराएं। पर्वतास्त्र उपस्थित हो। मैं पर्वतास्त्र प्रस्तुत हूँ शत्रु सेना का मर्दन करने के लिए। पुष्पास्त्र प्रकट हो। मैं पुष्पास्त्र पुष्प वर्षा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है ये वनवासी? हे रणभूमि, हे धरती माता, रघुवंशी महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम आपको नमन करता हूं। वर्षों से आप विवश हैं इस पापी रावण का बोझ उठाने के लिए, किंतु मैं राम ये प्रण लेता कि शीघ्र ही अधर्म और अत्याचार के मूल इस रावण का अंत करके मैं आपको इस बोझ से मुक्त करूंगा। अपना प्रण तो सब पूर्ण कर पाओगे वनवासी,
जब मेरे पर्वतास्त्र से बच पाओगे। मेरे प्रथम अस्त्र से ही तुम सबकी इसी रणभूमि में समाधि बन जाएगी। अवश्य ही ये पर्वतास्त्र उन उपद्रवी पर्वतों में से एक है, जिन पर्वतों के पंख काटकर इंद्रदेव ने अपने अधीन किया था। इस महाविशाल पर्वत को विफल करने में इंद्रदेव का वज्र ही सक्षम होगा। मेरा अनुमान सत्य ही निकला। प्रभु ने इंद्रास्त्र के विरुद्ध इंद्रास्त्र का ही आवाहन किया है। जय श्री राम। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी प्रारंभ है। रावण और भी अधिक भयानक दिव्यास्त्रों का स्वामी है। तो क्षण भर में तुम सबको यमलोक भेजने की क्षमता रखते हैं। रावणवासी, रावण सर्वप्रथम तुम्हें ही यमलोक भेजेगा। भोले बाबा के अस्त्र का उत्तर भोले बाबा के अस्त्र द्वारा ही अद्भुत है। प्रभु का युद्ध कौशल। मेरे महान दिव्यास्त्रों को सफल करने वाले वनवासी, अब मैं ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग करूंगा जिन्हें असफल करना तुम्हारे बस में नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी इस वानर सेना के साथ क्षण भर में नष्ट कर देगा। तामास, let's go.
तीन देवताओं की शक्ति से निर्मित ये तामास्त्र महाविनाश मचा सकता है। इस विकट दिव्यास्त्र को कैसे नष्ट कर पाएंगे प्रभु? ये दिव्यास्त्र तो अम्लीय रसायन की वर्षा कर रहा है, घातक होगा ये संपूर्ण वानर सेना एवं प्रभु के लिए। बचो नल, ये प्राणघाती अम्ल है, ये देखो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हट जाओ वहां से। सावधान सैनिकों, ये प्राणघाती अम्ल है। सैनिकों, अपनी रक्षा करो। बचो नल, रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया, तो फिर मेरी सेना को यातना देने के लिए क्यों चलाया तुमने ये अस्त्र? ए वनवासी, तुम अपनी सेना को रोक सकते हो मुझसे युद्ध करने के लिए, किंतु मुझे नहीं रोक सकते। तुम पर या तुम्हारी सेना पर वार करने से मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सेना पर संकट छा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु की सहायता करने के लिए युद्ध में भाग नहीं ले सकता, किंतु अपनी सेना की रक्षा तो कर सकता हूं। तुम अधिक देर तक नहीं रोक पाओगे मेरे दिव्यास्त्र की अम्लीय वर्षा को। तीन दिव्यास्त्रों के सम्मिलन से बने हुए इस प्राणनाशक रसायन के प्रभाव को रोकने वाला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं। प्रभु, अब ये अम्लीय रसायन मेरे हाथों से बहकर हमारी सेना पर गिरने को है, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये तो हनुमान की देह से भी टपकने लगा। सावधान, बच के रहना, हमारी देह भी जला देगा ये। हा 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 हा
प्रभु भी इंद्रदेव, वायुदेव एवं वरुण देव की शक्तियों वाले अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अवश्य ही इस तामशास्त्र के अम्लीय रसायन को प्रभावहीन कर देंगे। तुमसे युद्ध करने मैं आया, मेरे मना करने पर भी तुमने युद्ध ना करने वाली मेरी सेना को हानि पहुंचाने का प्रयास करके अच्छा नहीं किया रहा। अब इसका दंड भोगना होगा तुम्हें। ज्योति कास्त सूर्यदेव की शक्ति वाले दिव्यास्त्र का प्रचंड वार सह नहीं पाएगा रावण। ये क्या, प्रभु का वार विफल हो रहा है। ये ज्योति का अस्त्र की घातक रश्मियां लुप्त कैसे हो जा रही है। अच्छा तो ये देवी तारा की पार्षद डाकनिया शाकनिया है जो इन रश्मि बाणों को निगल ले रही है। माता तारा की इन डाकनियों शाकनियों के कारण प्रभु के अस्त्र तो लंकेश को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक रावण माता तारा देवी के सुरक्षा कवच में है, हम देवताओं द्वारा प्रदत्त कोई भी दिव्यास्त्र कार्य नहीं कर सकता। वनवासी, तुम एक बार स्मरण करा दूं मैं, आज ये रावण अपराजय है, देवी तारा को विवश कर दिया है मैंने अपनी रक्षा करने के लिए। किंतु वनवासी तो है, तुच्छ वानर तुम है, मेरे द्रोही भाई विभीषण तुम है, पर इस संपूर्ण वानर सेना को आज कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। आज सबका अंत कर देगा ये रावण, कर देगा ये रावण।
उदास। युद्ध नहीं कर रहे हैं उन पर आक्रमण करना धर्म संगत नहीं है लंकेश। कहीं दुष्ट रावण के गदा प्रहार से प्रभु श्री राम के पग न डगमगा जाए। प्रभु प्रभु कहीं श्री राम गदा के इस प्रहार से पीछे की ओर हट गए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रचंड गदा प्रहार को सहन कर लिया संभव। गदा प्रहार से तो तुम पीछे नहीं हटे वनवासे, परंतु अब मैं अपने दिव्यास्त्रों से तुम्हें इतना घायल कर दूंगा कि तुम्हारे पांव पीछे तो हटेंगे ही, तुम लड़खड़ा कर गिर भी जाओगे और तब तुम्हें अपने प्रण के अनुसार पराजय स्वीकार करनी होगी। माता तारा को भी इस राक्षस का साथ देते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत प्रहार कर लिया तुमने अपने धनुष से लंकेश। बन
वनवासर। ये क्या? ये भारत तो माया भी है, अदृश्य हो गया ये। यदि लक्ष्मण जी ने किसी भी अस्त्र से प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम का ये अटल निर्णय है कि हम में से कोई इस युद्ध के मध्य न आए। फिर लक्ष्मण भैया ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? बिना सोचे विचारे आवेश में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है।